एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस पाई क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। सो जब कॉस पाई जीरो होगा बच्चों एक साइकिल के लिए, फॉर वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू, सो ये जो इंटरफेरेंस वाला जो इंटेंसिटी टर्म है रूट ऑफ टू टू रूट आई वन रूट आई टू इंटू कॉस पाई, ये टर्म जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेव का इक्वेशन है, यहां पर लिख रहे हैं बच्चों जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेव का इक्वेशन है आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन इंटू रूट ऑफ आई टू इंटू कॉस पाई। जब कॉस पाई बच्चों जीरो हो जाएगा, एवरेज वैल्यू जब हम लेंगे फॉर वन साइकिल, सो दिस विल बिकम जीरो, सो दिस टर्म विल बिकम जीरो, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन विल बी आई वन प्लस आई टू प्लस जीरो, सो दिस इज आई वन एंड दिस इज आई टू। बच्चों इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट होगा, इंस्टेंट इंटेंसिटी चेंज नहीं करेगा। क्यों कॉन्स्टेंट होगा? क्योंकि आई वन कॉन्स्टेंट है, आई वन किसके प्रोपोर्शनल है ए वन स्क्वायर के, आई टू कॉन्स्टेंट है क्यों, क्योंकि आई टू प्रोपोर्शनल है ए टू स्क्वायर के, ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट ये भी कॉन्स्टेंट। सो जो स्क्रीन है बच्चों इस पर जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल कर रहा है, जो भी लाइट फॉल कर रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है पूरे स्क्रीन पर हर एक पॉइंट पर आई वन प्लस आई टू ही होगा। जब फाइ वेरिएबल होगा, जब कॉस फाइ का एवरेज वैल्यू हम कंसिडर करेंगे वन साइकिल के लिए, तो ये टर्म इंटरफेरेंस वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कोई इंटरफेरेंस की बात नहीं होगी, कोई ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न नहीं मिलेगा, पूरे स्क्रीन पर जो है बच्चों आपको कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा। सो इन दिस केस ऑन स्क्रीन इफ यू विल सी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, सो द इंटेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म। यहां से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों I इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन एनी पॉइंट ऑन स्क्रीन विल बी सेम एवरीवेयर, किसी भी पॉइंट पर क्या होगा इंटेंसिटी सेम होगा, दैट इज यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा, दैट इज यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। सो जब यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट और डार्क पैटर्न, सो यहां पर लिख सकते हैं बच्चों इन ब्रैकेट नो फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट और डार्क पैटर्न, जिसको बच्चों फ्रिंज भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्रिंजेस। सो अगर फाई कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा इंटरफेरेंस होगा बच्चों, यूनिफॉर्म इंटरफेरेंस होगा और यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा ऑन स्क्रीन, और कोई भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन नहीं होगा, एंड देयरफॉर टू हैव द फ्रिंजेस मे बी और देयरफॉर टू हैव द फ्रिंजेस लाइक ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, और वी कैन सी द डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन और डिफरेंट इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज ओनली पॉसिबल इफ द टू लाइट वेव्स व्हिच आर गोइंग टू बी सुपरइंपोज्ड हैविंग द कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस। बच्चों जीरो फेज डिफरेंस होगा, इफ देयर इज जीरो फेज डिफरेंस देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, एंड फॉर अदर वैल्यूज ऑफ फेज डिफरेंस देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस स्टिल वी हैव टू डिस्कस conditions for constructive interference, destructive interference. So everything, concept of constructive and destructive interference, rest of the things or many things we have to still discuss. So that we will continue in the next video. In this video, this much only. आप इसे अच्छे से अपने फेयर कॉपी में वीडियो को पॉज करके रिटर्न भी करिए और चीजों को बार बार रिवाइज करिए, आप वीडियो को रिपीटेडली देख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेरी होता है you can individually ask to me. So in this video this much only, we will meet in the next video. So thank you.